हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अबुल्ला सालम, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आइए, आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा चैप्टर लेके आया हूँ जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चे डरे हुए होते हैं इस चैप्टर से। नॉर्मली जो फिजिक्स जो मैथ और बायोलॉजी दोनों रखते हैं, यानी कि मैथ वाले बच्चे भी और बायोलॉजी वाले बच्चे भी, दोनों को ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों को इधर से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए लोग इसको ना एक तरह से हवा बना रखे हैं कि हार्ड चैप्टर है, समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। सिक्वेंस में पढ़ेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं वो चीज़ डिस्कस करूँगा, नॉर्मली लोग छोड़ जाते हैं और फिर जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी था। ओ भाई साहब, वो जो एनसीईआरटी एक पेज में बोल रही है ना पागल की तरह, हैं, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोल रही है, एनसीईआरटी में है वो, एनसीईआरटी खुद अपने आप में एनसीईआरटी है, तो वो उसमें सारी बातें बोल रही है जो आपको समझने हैं, है ना। तो आइए आज हम लोग वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखिए, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू बता दूं आपको। जो ये बायो मॉलिक्यूल है हमारा, बायो मॉलिक्यूल्स, ये दो वर्ड से मिलके बना है, बायो प्लस मॉलिक्यूल। बायो की बात करें तो इसका मतलब होता है लिविंग या फिर लाइफ, लिविंग या फिर लाइफ। और मॉलिक्यूल का मतलब होता है सबस्टांसेस, मॉलिक्यूल से मतलब सबस्टांसेस या फिर केमिकल कंपाउंड्स। कोनो दिक्कत नहीं? तो मतलब कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे उसे ही हम कह रहे हैं बायोमॉलिक्यूल। यार, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा बॉडी और आपका बॉडी, बल्कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना हुआ है बहुत सारे मॉलिक्यूल से। मतलब कुछ ना कुछ केमिकल्स सबके अंदर प्रेजेंट है उसकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। जैसे सपोज करो, हमारे अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, हमारे अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, हमारे अंदर फैट प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में कौन कैसा बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखो, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसको समझिए, ओवरऑल मैं चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या परसेंट है, कौन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, कौन छोटा मॉलिक्यूल है, कौन बड़ा मॉलिक्यूल है, समझ में आई बात, किसका क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। बस और कुछ नहीं, इस चैप्टर में इतना ही है। चलिए, हो गया चैप्टर ख़त्म, नेक्स्ट चलिए सेल साइकिल सेल डिवीज़न। नहीं होगा यार, अभी कहाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, कई क्लासेस चलेंगी। इधर आइए, अब एनसीईआरटी जो आपकी बोल रही है कि भाई, अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में कितना ऑर्गेनिक है, कितना इनऑर्गेनिक है, कितना मैक्रो मॉलिक्यूल है, कितना माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये सारी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एक अपने से खुद से घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। वो ये कि आप एक टिश्यू लीजिए और टिश्यू को पहले कूट दीजिए, है ना, कूट दीजिए। कूटने के बाद उसको चाछलनी से छांक दीजिए, जो चाछलनी में आ गया वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़का मॉलिक्यूल है, साइज बड़ा है, और जो चाछलनी से नीचे पास हो गया वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, छोटका मॉलिक्यूल है, साइज छोटा है, सॉल्युबल है, और जो ऊपर में था इनसॉल्युबल है। क्लियर? बस और कुछ भी नहीं है इसमें। एक्चुअल में बायो मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें जो होते हैं वो एक्चुअल में दो कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेगा, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक देखने को मिलेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम जानते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा कि कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं? मैंने आपको बोला कि ओवरऑल जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स है, जो कि
हमने अभी आपको बोला कि हमें अगर पता लगाना हो, एनालाइज करना हो, तो हम क्या करते हैं कि एक टिश्यू लिया आपने, इस टिश्यू को आप किसी ग्राइंडर में आपने मिक्स किया, एक घोल बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब उसको चछलनी से आप छांक लो। जब चछलनी से उसको आप छाल लेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे जो नीचे चला आएगा और कुछ ऐसे होंगे जो यहीं पर रह जाएगा। जो नीचे आ गया ये इसका मतलब डिजॉल्व हो गया, इसको हम लोग सॉल्यूबल बोल देंगे, और इसको माइक्रो यानी छोटा बायोमोलिक्यूल बोल देंगे। और जो ऊपर में रहा हम इसको क्या बोल देंगे भाई, इनसॉल्यूबल बोल देंगे, और इसको मैक्रोमोलिक्यूल बोल देंगे, मतलब साइज बड़ा है इसका। क्लियर है? तो उसी बेसिस पर, उसी एनालिसिस के बेसिस पर हम दो में डिवाइड कर देते हैं बायोमोलिक्यूल को। एक होता है मैक्रो बायोमोलिक्यूल और दूसरा होता है माइक्रो बायो मॉलिक्यूल। मैक्रो बायो मॉलिक्यूल जो होगा बेटा, ये होगा इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल क्योंकि साइज में बड़ा था, ऊपर में रह गया था। समझ में आई बात? इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें जैसे प्रोटीन की बात करें हम, प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा, फैट्स आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, मतलब डिजॉल्व हो गया था, नीचे आ गया था, तो हम इसको बोल देते हैं सॉल्यूबल होता है। और सॉल्यूबल है, और इसमें कौन कौन आ जाएगा, एज एग्जांपल के तौर पर अमीनो एसिड आ जाएगा, इसमें कौन आ जाएगा, फैटी एसिड आ जाएगा, इसमें कौन कौन आ जाएगा, फैटी एसिड पूरा लिख दो, इसमें आ जाएगा नाइट्रोजेनस बेस पेयर आ जाएगा, नाइट्रोजेनस बेसिस आ जाएगा। समझ में आई बात? ये सब इसमें आ जाएगा। एक लिपिड की अगर मैं बात करूँ, अच्छा लिपिड से पहले मैं डिस्कस करूं कि माइक्रो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, ये मॉलिक्यूलर जो वेट होता है माइक्रो मॉलिक्यूल का, वो होता है 18 से 800 डाल्टन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा गया है कई बार, नीट में भी पूछा गया है, और जो एग्ज़ाम होते हैं आपके 11th के वहाँ तो बोला ही जाता है। जब डिफरेंस आपसे पूछेगा बायो माइक्रो माइक्रो में, तो ये नहीं दोगे तो टीचर नंबर काट लेगा, इसीलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है। इधर आइए, इसका जो होता है वो ग्रेटर देन 10,000 होता है, 10,000 डाल्टन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब भाई एक लिपिड की अगर मैं बात करूं, लिपिड की, लिपिड होता है इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल होता है, और इसका जो वेट होता है वो होता है मतलब 18 से, यानी कि इसको किसमें रखा जाता है, इसको माइक्रो, एक्चुअल में माइक्रो मॉलिक्यूल है, और रखा किसमें जाता है, इनस्टेड माइक्रो मॉलिक्यूल किसमें, मैक्रो मॉलिक्यूल में। क्यों भाई? क्योंकि इनसॉल्यूबल है। और माइक्रो मॉलिक्यूल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो कितना है, उसी के अंदर आता है, 18 से 800 डाल्टन। क्योंकि ये इनसॉल्यूबल क्यों है कि जब आप इसको मिक्स कर रहे हो तो इस वक्त जो सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है, लिपिड बायलेयर, आपको पता है ना लिपिड बायलेयर का बना होता है, तो वहाँ पे वो सॉल्यूबल नहीं होता है, वो किसी न किसी माइक्रो मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड कर लेता है, वहीं पर प्रेजेंट होता है, सॉल्यूबल नहीं होता। ठीक है, खैर ये चीज़ें हमने देख लिया। अब जैसे प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के बारे में आपको पता ही है कि प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं, एक पेप्टाइड चेन, दो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। फैट की बात करें, फैटी एसिड से मिलकर बना होगा, और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करें यानी पॉलीसेक्राइड की बात कर सकते हैं, समझ में आए बात, इसमें सिंपल शुगर से मिलकर बना होगा, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूँ यानी डीएनए और आरएनए की बात करूँ, नाइट्रोजेनस बेस पेयर होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा, समझ में आई बात, तो ये सारे के सारे उसके कंपोजिशंस आ जाते हैं। बेटा एक चीज़ अभी मैं आज आपको डिस्कस करूँगा, वो डिस्कस करूँगा मेटाबोलाइट से क्या होता है, मेटाबोलाइट से कुछ भी नहीं है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, जितनी भी केमिकल कंपोनेंट्स है, वो सब के सब मेटाबोलाइट्स हैं। दो टाइप के होते हैं मेटाबोलाइट्स। अभी ये देखो एक ओवरव्यू हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको बायोमोलिक्यूल पूरा आता है, आपने पढ़ा हुआ है, आप नीट एस्पायरेंट हैं, एक दो साल आप गैप कर चुके हैं, तो प्लीज़ आपको पूरा लेक्चर देखने की आधा घंटा ज़रूरत नहीं है, ये जो शुरू के 7-8-10 मिनट हैं इससे ही आपका पूरा रिविज़न हो जाएगा। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करूं, क्या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की,
इसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या फिर इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो किसी न किसी स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक होंगे, किसी न किसी फंक्शन के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं अगर प्रोटीन की बात करूं तो भाई प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब बनाने के लिए। जैसे मैं अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो भाई अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में टूटता है और उसके बाद क्या देखता है लास्ट में हमें, एटीपी। क्लियर है? फैट भी सेम काम करता है, एटीपी भी, ये भी एटीपी हमें प्रोवाइड करता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें, हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो ये वो मेटाबोलाइट्स हैं या फिर ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी न किसी, या फिर ये वो सबस्टांस हैं जो किसी फंक्शन के लिए भी स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है। तो भाई इसकी ज़रूरत, हाँ अभी तक यही चीज़ पर, हाँ लेकिन इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे एंटीबायोटिक बनाने में, ड्रग्स बनाने में, रबड़ की बात करें, टॉक्सिन की बात करें और पिगमेंट्स की बात करें, है ना, तो ये सब में इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? फिर उसके बाद चलिए, मैं इतनी चीज़, इतना टाइम क्यों वेस्ट, अब इतनी चीज़ें मैं बता देता हूँ फिर आगे देखूंगा, है ना, अगर मेरे पास टाइम बचा तो फिर मैं आगे भी पढ़ा दूंगा। चलिए तो मैं इसको अब रफ करता हूँ और सारी चीज़ें मैं एक सीक्वेंस में मेंशन करता हूँ। आइए अब हम सारी चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम क्या स्टार्ट करें, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, इस सारी चीज़ को आपको याद रखनी, क्योंकि ये एक्चुअल में इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारे बायोमॉलिक्यूल का, लेकिन ये सारी चीज़ आपको जब तक याद नहीं रहेगी तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या है, चैप्टर 9 11th क्लास की बायोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। अभी हमने आपको बताया हुआ है बायोमॉलिक्यूल क्या है, पता तो चल गया ना कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। डर लगता है लोगों को, नहीं यार डरने की कोई जरूरत नहीं, बायोमॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार चैप्टर है सर, बहुत बेकार। इधर जो मैथ रखते हैं वो भी परेशान रहते हैं, जो बायोलॉजी रखते हैं वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में उन्हें ये चैप्टर भी पढ़ना होता है, है ना। तो इसीलिए आप मेरे साथ रहेंगे ना तो बिल्कुल ईजी लगेगा, कोई टफ नहीं है। होता क्या है एक्चुअल में कि बायोमॉलिक्यूल में हम अगर कोई भी चीज़ सिक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, चाहे किसी भी चैप्टर के ले लो, अगर हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए टफ हो जाता है। हम बायोमॉलिक्यूल का अगर सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं एक के बाद एक, पहले मान लो कुछ चीज़ को अच्छे से समझनी है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ अच्छे से समझ में तभी आएगी जब पहली वाली चीज़ को हम समझे हुए रहेंगे, तो वो चीज़ यहाँ बायोमॉलिक्यूल में थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जा करके ये चैप्टर ईजी लगेगा। तो आइए सबसे पहले मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है हमारा, आपका, प्लांट का, किसी का भी, जो उसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट है या फिर उसका जो कोई भी पार्ट है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे ओवर पार्ट की बात करें हम, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, केमिकल्स बना हुआ है। उसमें क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए बायोमॉलिक्यूल्स हम बोल भी रहे हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करूँ तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन आ जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। क्लियर है? यस। अब सुनिए, फॉर एनालाइजिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू एंड वी मिक्स इट विद CCl3 एंड COOH यानी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, उसके बाद जब आप ऐसा करेंगे तो मेक अ स्लरी बाय ग्राइंडिंग एंड वी गेट टू फ्रैक्शंस। अब सुनिए इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप पता लगाना चाहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि क्या प्रेजेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है, मैक्रो है कि माइक्रो है, सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है, अगर ये सारी चीज़ का पता लगाना चाहते हैं, जैसे मैं अपने टिश्यू की बात करूँ, अपने टिश्यू का मैं पता लगाना चाहता हूँ कि व्हाट दे आर एक्चुअली प्रेजेंट है, क्या इसमें, समझ में आई बात, इफ़ यू वांट टू एनालाइज, तो आपको क्या करना होगा कि आप वो टिश्यू को ले लें, मान लो हमने ले लिया किसी कटोरी में ले लिया, या फिर कूटने वाले किसी सब्सटेंसेस
जैसे कि जिससे चटनी वटनी बनाते हैं, मसाला वसाला कूटते हैं, वो ले लो। उसमें क्या करो आप, उसमें डाल दो क्या CCl3COH यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दो। डाल दिया आपने, अब उसमें वो टिश्यू को डाल दो। अब उसको ज़बरदस्त कुटाई करो उसकी, उसको अच्छे से मिक्स करो। क्या करो उसको मिक्स करो यानी ग्राइंडिंग करो। वही चीज़ें बोला है कि एक सॉल्यूशन बना लो यानी कि एक घोल, सलरी मतलब घोल, तो मेक अ सलरी बाय ग्राइंडिंग। उसको इतना ग्राइंड करो कि उसका एक घोल बन जाए। अब आपने कर लिया, घोल भी बना लिया। अब आपको क्या करना है कि अब जैसे चाय छलनी होती है ना, चाय छलनी या फिर आटा छालने वाला, छलनी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, चाय छलनी जो होती है जिसमें चाय छानते हैं, उसमें उस सॉल्यूशन को जो आपने बनाया हुआ है इस टिश्यू का विद दस किसके साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, उसको आप सॉल्यूशन को डाल। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो सॉल्यूबल होंगे उस टिश्यू के, जो अंदर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और कुछ जो इनसॉल्यूबल होगा, जो बड़ा बड़ा होगा स्ट्रक्चर में, वो ऊपर ही रह जाएगा, चाहे छलनी में रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? यस, रह जाएगा। आइए मैं तो थोड़ा यहाँ पे वो चीज़ बताता हूँ। मैंने क्या बोला, सपोज करो आप ये ले लो, एक स्ट्रक्चर ले लो जिसमें मसाला कूटते हैं, ये लो मसाला जिसमें कूटते हैं, ले लिया हमने। इसमें हमने क्या डाल दिया बच्चा, टिश्यू डाल दिया। क्या डाल दिया? टिश्यू डाल दिया, टिश्यू ले लिया, क्योंकि हमें पता करना है टिश्यू के कंपोजिशन को, है ना, कि कौन सॉल्युबल है, कौन नॉन सॉल्युबल है, क्या है नहीं है, ये चीज़ें। तो आपने इसमें डाल दिया, ये लो टिश्यू डाल दिया। क्या डाल दिया? टिश्यू। अब इसकी कुटाई करो, और इसमें क्या डालना है और कौन सा एसिड डालना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या डाला हमने? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसमें हमने टिश्यू भी डाल दिया। अब इसको ज़बरदस्त कुटाई करो। कुटाई करने के बाद एक तरह से यहाँ पे आपको क्या घोल बन जाएगा, बनेगा ना घोल, यस घोल बन जाएगा। अब इस घोल को आप क्या करो कि एक चाय छकनी लो, एक चाय छकनी लो, एक चाय छकनी लो, और इस चाय छकनी में इसको छानो। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे होंगे जो चाय छकनी को पास कर जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो चाय छकनी में ऊपर ही रह जाएगा। समझ में आई बात? जो पास कर गया वो सॉल्यूबल कहलाएगा, और वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल कहलाएगा, छोटा माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो ऊपर रह गया वो मैक्रो बायोमोलिक्यूल कहलाएगा, और वो बड़ा होगा साइज में। समझ में आया? यानी इनसॉल्यूबल होगा। क्लियर है? ये एनसीईआरटी आपकी बोल रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। नेक्स्ट आ जाइए, फॉर एनालाइजिंग द ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को आप जानना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू का, तो हम क्या करेंगे, वी मिक्स इट, हम उसको मिक्स करेंगे, यानी एक तरह से सलरी बनाएंगे उसका, ठीक है। एंड वी मिक्स इट विद द हेल्प ऑफ किसका, कौन एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, ले लेंगे, यानी CCl3COH। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेक अ स्लरी बाय ग्राइंडिंग। हम उसको क्या करेंगे, एक घोल बनाएंगे पूरा ग्राइंडिंग करने के बाद। अरे वी गेट टू फ्रैक्शंस, हम फाइनल क्या देखेंगे जब उसको चाय छलनी से छान देंगे, तो दो देखेंगे, एक तो चाय छलनी पे रह जाएगा, एक चाय छलनी से पास कर जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, एक ऐसा एसिड जो कि सॉल्यूबल है, मतलब डिजॉल्व हो चुका है, एक ऐसा है जो डिजॉल्व बने हुआ है, यानी एसिड इनसॉल्यूबल। हमें क्या मिला, एक एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन और दूसरा एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। क्लियर? अब सुनिए, जो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन है, जो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन है, उसको हम लोग, क्योंकि हम ऑर्गेनिक का पता लगा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक माइक्रो बायोमोलिक्यूल बोल दीजिए, ऑर्गेनिक माइक्रो बायोमोलिक्यूल से उसको कहेंगे। क्लियर है? ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल कहो या फिर ऑर्गेनिक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहो, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, ये वो पार्ट है जो चाय छलनी से नीचे चला गया था, छोटा छोटा था, समझ में, साइज बहुत छोटा था। नेक्स्ट आ जाइए, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन, यानी लेस देन 1000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का क्या होता है, 18 से 800 डाल्टन। समझ में आई बात? नेक्स्ट आइए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपको इसमें कुछ देखेंगे, वो क्या, जैसे फॉस्फेट और सल्फेट ETC, ये सब आपको दिखेगा। नेक्स्ट आ जाइए,
कि माइक्रो मॉलिक्यूल है ये, माइक्रो ये बाद में देखेंगे हम, इसमें आ जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल में, फ्रैक्शन में आ जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। पहली बात कि ये जो होगा ये पॉलीमेरिक होगा, पॉलीमेरिक मतलब कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर से इसमें जुड़े होंगे और बड़ा एक स्ट्रक्चर होगा, इसलिए पॉलीमेरिक बोल रहे हैं। और इसको पॉलीमर्स भी बोलते हैं, इसको मोनोमर्स भी बोलते हैं, अभी नीचे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, इसको पॉलीमेरिक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर मैक्रो बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। क्यों साइज बड़ा है, छकनी में नहीं आया, जो चाय छक्कन था आपका, चाय छलनी, उसके ऊपर में ही रह गया, ठीक है। तो वही चीज, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। समझ में आई बात, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो लिपिड, भाई साहब लिपिड भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। हालांकि लिपिड का जो वेट होता है वो होता है 18 से लेके 800 डाल्टन तक, और इसको लेकिन लिखा गया है किसमें, मेंशन किया गया किसमें, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में, कैसे अभी बताऊंगा। तो ये लिपिड जो है अ कंपाउंड, एक क्या है, सॉरी अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है, एंड फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल वेसिकल्स ऑन फ्रेगमेंट्स। अब होता क्या है सुनिए, एक्चुअल में लिपिड की अगर हम बात करें, आपने सुना होगा या फिर आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, मैंने पढ़ाया पिछला ही चैप्टर में, मैंने पढ़ाया हुआ है सेल में, द यूनिट ऑफ लाइफ में, कि भाई कोई भी सेल है उस सेल के ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलता है। और सेल मेम्ब्रेन को जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वो लिपिड बायलेयर होता है, लिपिड बायलेयर होता है, बना हुआ होता है, हमने देखा था। तो आप जब सेल को ग्राइंडिंग कर रहे हो, उसका एक सलरी बना रहे हो, उसका एक घोल बना रहे हो, तो उस वक्त क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगा और उसका उसका जो लिपिड्स था वो छोटे छोटे वो किसी न किसी मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, यानी वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट से भी, लिपिड के बारे में, लिपिड इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। जबकि ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, बोलिए जरा, 18 से 800 डाल्टन। लेकिन इसको इसमें रखा, क्यों रखा इसको, एक एज एक्सेप्शन आप इसको याद रखेंगे लिपिड को, प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हमने इसको जो इनसॉल्युबल था उसको हमने मैक्रो मॉलिक्यूल बोला, जो सॉल्युबल था उसको हमने माइक्रो मॉलिक्यूल बोला। कोई दिक्कत, अरे कोनो दिक्कत बाड़ू, यहाँ तक कोनो दिक्कत ना होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि बायो मॉलिक्यूल का जो मैं बेसिक आज समझा रहा हूँ, इसके बारे में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ फौरन से पहले इसको क्लियर कीजिए, नहीं तो काफ़ी मसला हो जाएगा, है ना। आइए, हमने क्या बोला इसको, मैक्रो मॉलिक्यूल, इसको हमने बोला माइक्रो मॉलिक्यूल, अब इसको हमने मैक्रो मॉलिक्यूल बोला, और एक टर्म मैंने यहाँ पे बोला था पॉलीमर, मतलब कि इसको पॉलीमर्स हम बोलते हैं। जैसे सपोज डैट प्रोटीन्स है, तो ये प्रोटीन कई अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन भी हम बोलते हैं प्रोटीन को, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स मिक्सड होकर के फिर जा करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन, क्लियर है। तो इसीलिए हम इसको पॉलीमर से बोल देते हैं, और इसको हम मोनोमर से बोल देते हैं। जैसे देखो, एक अमीनो एसिड सिंगल से प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस सिंगल प्रेजेंट है, फैटी एसिड सिंगल प्रेजेंट है, एक सिंपल सा शुगर सिंगल प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम इसको मोनोमर से बोल देते हैं। कोई दिक्कत, अरे कोनो दिक्कत, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब। अच्छा बेटा, इस चीज़ को समझाने से पहले, ये चीज़ तो मैं अभी अभी समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लो, बायो मतलब होता है लिविंग और लाइफ, और मॉलिक्यूल मतलब केमिकल या फिर सबस्टांसेस, वो सबस्टांसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, या वो केमिकल्स या फिर वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि ऑल द मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर होमो और हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ वेरियस सिंपल कंपाउंड्स, मतलब कि एक टाइप के भी चेन हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का भी चेन हो सकता है, इसीलिए होमो और हेट्रो हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। प्रोटीन की बात करें, ये क्या है, पॉलीमर है ऑफ किसका, अमीनो एसिड का, ए ए का मतलब क्या होता है, अमीनो एसिड, समझ में आई बात, अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का, बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन।
नेक्स्ट आ जाइए कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें जो सिंपल शुगर्स है उसका मिक्सिंग है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स मतलब होता है शुगर, पॉली मतलब कई सारे शुगर, जैसे पॉलीमर्स ऑफ सिंपल शुगर्स, एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की बात करें ये पॉलीसैकेराइड्स में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर फैट्स की बात करें बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैट्स की बात करें तो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है। याद करो हमने आपको पीछे भी पढ़ाया हुआ है ये सारी चीज़ें कि जब मैंने आपको बोला हुआ था कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म में हमने बोला था और कैटाबॉलिज्म में भी हमने ये चीज़ें बोली थी कि जो हमारा फैट होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है, और कैटाबॉलिज्म में वही फैट टूटता है तो किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। सेम हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी वहाँ पर समझाया था कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर नीचे से और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लिया, सराउंडिंग से लिया, और उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लिया था, बनाया था, यस, ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, तो ये जो ग्लूकोज बना लिया था एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना लिया था। और कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, सेम उल्टा हो जा रहा था, इसी ग्लूकोज का यानी फोटो रेस्पिरेशन हो जा रहा था, जब रेस्पिरेशन हो जा रहा था तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जा रहा था, हुआ था, यस। सेम चीज आज ये फैट की बात करें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट आज ये न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड जैसे किस किस चीज से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए की बात करें, क्या क्या होता है उसमें, नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, शुगर होता है या पेंटोज शुगर की बात कर सकते हैं हम, और उसके बाद उसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्लियर है यहां तक, प्लीज बताइए, यस होने चाहिए। नेक्स्ट आज ये एक सेल के कंपोजिशन की बात करें हम, एक सेल में किसका कितना पार्टिसिपेशन है, कौन कितना परसेंट है, या फिर कंस्टिट्यूएंट की बात करें, किस कौन कितना किसका कंस्टिट्यूएंट है, उस चीज की बात करें, हमने यहां पे लिया हुआ एक सेल, क्या लिया हुआ है बच्चों, एक सेल लिया हुआ है। इस सेल में हमने बोला है कि वाटर जो होता है उसका कंस्टिट्यूएंट कितना होता है, 70 to 90, यानी ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, 70 to 90, इसके बीच में ले सकते हैं, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत, थोड़ा नीचे का मतलब 70 से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे का मतलब 90 से थोड़ा नीचे, ठीक है। प्रोटीन्स जो होता है सेल में वो 10 to 15% होता है, लिपिड जो होता है वो 2%, और उसका न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हैं वो जो होता है 5 to 7%, और बाकी जो बचा हुआ रेस्ट आयन से होता है कितना, 1%, क्लियर है, कंपोजिशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए हम देखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अरे भाई ये क्या आ गया, अरे यार इजी है यार, मैंने अभी आपको पहले ही बोला हुआ है, प्लीज इसमें टेंशन ना हो, पैनिक इसमें नहीं होना है, अगर पैनिक हो गए तो ये चैप्टर आपको और पैनिक कर देगा। कहा जाता है कि जब कोई चीज़ टफ आपको सामने में आ रही है तो उस चीज़ को इतना हलवा बनाने की कोशिश करो कि बिल्कुल मज़ा आ जाए, है ना, बिल्कुल उसके सामने डरो ही मत। सपोज डैट आपने गलती की हुई है, आप पापा के सामने जा रहे हो तो आप इतना कॉन्फिडेंस रहो पापा के सामने कि पापा को ये लगे कि इसने गलती की नहीं है, मैं ही गलत बुला लिया इसने, है ना, तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। इस चैप्टर में है क्या, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यक कर दूंगा, यार क्यों नहीं कर सकता, इधर आओ। मेटाबोलाइट्स क्या है, पहली बात कुछ नहीं है बेटा, बायोमोलिक्यूल है। अब दुनिया के टीचर मुझे गाली देंगे, ओबे बायोमोलिक्यूल को मेटाबोलाइट्स बोल रहा, हाँ, ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इनसाइड आवर बॉडी इंक्लूडिंग एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म नोन एज मेटाबोलाइट्स। जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी में, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे बॉडी में, एंड में बन रहे हैं, लास्ट में जितनी भी रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सब के सब मेटाबोलाइट्स हैं। अब आज ये डिफरेंस देखते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या डिफरेंस है। सिंपल सा एक देहाती लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, उसको समझिएगा। प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स होता है इसमें ऐसे कंपाउंड्स आते हैं या फिर इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसका अपना अपना स्पेसिफिक कोई ना कोई फंक्शन हो। व्हाट आई सेड, मैंने क्या बोला भाई आप, मैंने ये बोला कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में ये इसमें ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो। सपोज करो मैंने अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की तो कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, है ना, एटीपी के लिए काम किया ना कार्बोहाइड्रेट्स, यस। न्यूक्लिक एसिड की मैं बात करूं, डीएनए और आरएनए क्या कंटेन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, प्रॉपर इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, समझ रहे हैं। ऐसे अमीनो एसिड प्रोटीन की बात करें,
प्रोटीन में भी को अपने एंजाइम से बना लेते हैं, हमारे बॉडी के परफॉर्मेंसन के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? तो इसका अब सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो है जो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द फुल कंसंट्रेशन प्लीज। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन ना हो उसके लिए। हाँ, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकता है, होता ही है, बल्कि हो सकता है। क्या मैंने क्या बोला, सिंपल सा देहाती लैंग्वेज, हम देहात से आन बानी, हम देहाती बोला तारू, समझा तो समझा, ना समझा तो तू जाना। अरे भाई कोनो बात नहीं के, सुनो मैंने ये बोला कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्राइमरी मेटाबोलाइट में डिफरेंस। प्राइमरी मेटाबोलाइट में ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स आ जाएंगे जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा, जैसे एग्जांपल दिया आपको मैंने। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एक ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा जैसे प्लांट्स में नॉर्मल से देखने को मिलता है, उसका कोई भी अपना स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं होता। अभी तक तो नहीं है भाई, आगे पता नहीं हो या ना हो, अभी तक तो प्लांट के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाने के लिए, बहुत सारे ड्रग्स बनाने के लिए, पिगमेंट्स की बात करें तो वो सारे के सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। समझ में आई बात? तो चलिए अब उस चीज को डिस्कस करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटा, ये पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब यहां एसएम है तो क्या बोलोगे, सीएम, नहीं गलत बात, पीएम यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो टेक्स पार्ट इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, या फिर एक अच्छा फंक्शन आप लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक फॉर एनी फंक्शन, स्पेसिफिक फॉर एनी प्रॉपर फंक्शन, एनी प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। अब ये नॉन स्पेसिफिक होगा, किसी भी फंक्शन के लिए नहीं होगा, ठीक, कोई फंक्शन ही नहीं होगा उसका। नेक्स्ट, जैसे मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे थोड़ा कंस्टिट्यूएंट लिख दिया है, मतलब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्या बोल दूं, टुकड़े के फॉर्म में लिख दिया है, तो इसलिए इतना परेशान ना होइएगा। अब सुनिए, अमीनो एसिड है, बहुत सारा अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बना लेता है, और प्रोटीन से एंजाइम से बनाता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलकर के फैट बना लेता है, वो भी एक तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी। अगर शुगर की बात करें तो ये भी हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, तो बहुत सारे यानी शुगर से मिलकर के बहुत सारी पॉलीसेक्राइड्स वगैरह बन जाएगा, ठीक है। अब सुनिए इधर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें, मतलब इसका कोई ना कोई फंक्शन है, जेनेटिक मटेरियल की बात कर सकते हैं हम इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर सकते हैं हम इसमें, बहुत सारे इसमें आप लिख सकते हैं, लिख लो भाई, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिखा तो आप मत लिखो, लिख लो, याद आ जाता है कभी कभी, अभी याद आ गया मुझे अचानक, लिख लो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यानी कि देयर आर वेरीड कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ऑफ फंजाई, माइक्रोब्स ऑफ फंजाई और प्लांट्स इसके सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सुनिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उसका अपना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर वेरियस कैटेगरीज, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे पिगमेंट्स की बात करूं बच्चों, पिगमेंट्स हमें क्या क्या इसमें, एंथोसाइनिन और कैरोटीन हम यहाँ से निकालते हैं। ड्रग्स की बात करूं, ड्रग्स में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करक्यूमिन और विनब्लास्टिन ईटीसी हमें देखने को मिल जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। गम की बात कर सकते हैं, रबड़ की बात कर सकते हैं, हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये, यहाँ से मिल रहा है ये सारी चीज़ें। टॉक्सिन की बात करें, रेसिन और एब्रिन की बात कर सकते हैं, अल्कलॉइड्स की बात कर सकते हैं, कोडीन एंड मॉर्फिन की बात कर सकते हैं, और एसेंशियल ऑयल, उसके बाद टर्पेनॉइड्स की बात कर सकते हैं हम, लैक्टिन से यानी कि कोका नावालिन ए की बात कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये सारे के सारे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इतना याद करना होगा, हाय भाई साहब, ओह माय गॉड, कोई ज़रूरत नहीं है इतना याद करने की, कुछ एक दो चीज़ें आप याद कर रखेंगे, है ना, जैसे ड्रग्स, पिगमेंट्स, है ना, एक दो चीज़ें आप याद रख लेंगे एज ए एग्जांपल समझने के लिए। अगर आपका अच्छा मेमोरी कैपेसिटी है तो पूरा याद रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब तक के जो पार्ट थे हमारे, वो बस एक ऐसा पार्ट था जिसको समझने में लोग काफ़ी दिक्कत करते हैं, लेकिन अब आई होप, मुझे यहाँ तक लग रहा है कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। अब आ जाइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। एक्चुअल में आज हम प्रोटीन थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको, प्रोटीन के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट आज पढ़ा देंगे प्रोटीन के बारे में। उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, थोड़ा घर से करके आइएगा आप, और नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और कितने कैसे कैसे अरेंज्ड होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे होगा, वो सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इधर आइए प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स परफॉर्म्ड मेनी वाइटल फंक्शंस, बहुत जबरदस्त जबरदस्त फंक्शंस करता है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एज एंजाइम, एंजाइम की तरह भी प्रोटीन काम करता है, जैसे ट्रिप्सिन की बात करें, लाइपेज की बात करें और अमाइलेज की बात करें, इसी और प्रोटीन्स एज आर प्रेजेंट एज हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन की बात करें, सब क्या है, प्रोटीन ही है। अभी मैंने बोला ना, प्रोटीन्स हमारे बॉडी को पूरे मेंटेन करने में काम करता है, पूरा हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ सीक्रेट प्रोटीन से, प्रोटीन ही कर रहा होता है ना। नेक्स्ट आ जाइए, टिश्यू फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। टिश्यू फाइबर्स, याद करो मैंने एनिमल टिश्यू पढ़ाया था, वहाँ के केस में मैंने टिश्यू फाइबर्स पढ़ाया था। टिश्यू फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स यानी कोलेजन और इलास्टिन, याद करो, कुछ याद आया? यस, याद आ रहा सर। सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ग्लूट फोर की बात करते हैं, GLUT4, एक्रोस अ मेम्ब्रेन, ऑल्सो फाइट इन्फेक्शन, यानी एक्ट कैसा करता है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जैसा एक्शन देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की बात करें, पूरी दुनिया की, जब मैं बोलूँ पूरे बायोस्फेयर की बात अगर मैं करूँ, बायोस्फेयर यानी पूरे ओवरऑल अगर मैं इम्पॉर्टेंट और अबंडेंट प्रोटीन की बात करूँ, मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फेयर की बात करूँ, वो कौन है, रूबिस्को। इंपॉर्टेंट है रूबिस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज रूबिस्को का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, एंजाइम्स इन कार्बन फिक्सेशन, ये क्या काम करवाता है, कार्बन फिक्सेशन। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन बायोस्फीयर, ये लाइन को बेटा 5 स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है 5 स्टार, मोस्ट अबंडेंट इन अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर कौन है, रूबिस्को। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन केस प्लांट, तो भी रूबिस्को हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन केस एनिमल्स, फिर आपका कोलेजन आ जाएगा, क्या जाएगा, कोलेजन, ठीक है, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल्स। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है? यस yes. तो आइए अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे उसमें, तो आज ही पढ़ा दूं क्या थोड़ा सा? यस, आज ही पढ़ा देता हूं। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। हम थोड़ा सा पार्ट आज, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आज थोड़ा सा ये देख लेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन के बारे में हमने देख भी लिया कौन अबंडेंट है बायोस्फीयर में है, कौन प्लांट के केस में, कौन एनिमल के केस में, देख लिया हमने। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, प्रोटीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज प्रोटीन, तो तुम देहाती लैंग्वेज बोल देना कि कुछ ना भाई, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब उल्टा उससे पूछो कि पॉलीपेप्टाइड चेन जानते हो, हाँ जानते हैं, तो ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। होता क्या है, प्रोटीन एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है किसका, अमीनो एसिड का, किसका, अमीनो एसिड का। ये देखो कई सारे अमीनो एसिड्स हैं, कई सारे अमीनो एसिड्स हैं, यही यही अमीनो एसिड जो हैं मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रोटीन। इतनी चीजें क्लियर है? अब सुनिए, प्रोटीन के पास, प्रोटीन एक्चुअल में हम आ जाते हैं अमीनो एसिड पर। अमीनो एसिड का एक डायग्राम की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अमीनो एसिड टोटल जो होते हैं हमारे पास, वो 20 अमीनो एसिड हैं। कितने, 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो 20 टाइप के ऑफ अमीनो एसिड से जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, समझ में आई बात। अब सुनिए, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में एक होता है बेटा अल्फा कार्बन, क्या होता है, अल्फा कार्बन, यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करूँ, गड़बड़ हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और इससे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड। एक होता है यहाँ पर अमोनिया NH3, एक होता है यहाँ पर हाइड्रोजन,
और एक होता है क्या बोलते हैं आर्गन। यही हमारा होता है क्या वेरिएबल रीजन। क्या होता है वेरिएबल रीजन, ठीक है। यही जगह जो है यही डिसाइड करेगा कि भाई यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड है, ये यही आर की जगह डिसीजन होगा। समझ में आई बात। सारी चीज़ें आज नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ना खुद से देख के आने हैं एनसीईआरटी में, थोड़ा सा अगली क्लास में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो रहा। अगर मैं बात करूँ सेम अपोजिट सेम स्ट्रक्चर अगर मैं ले लूँ, सेम स्ट्रक्चर अल्फा कार्बन में ले लिया, सेम स्ट्रक्चर अगर मैं ले लूँ, ठीक है, और उसके बाद सेम स्ट्रक्चर अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर टू करो और यहाँ पर वो करो माइनस करो, और यहाँ पर अगर मैं एच ले लूँ तो ये ग्लाइसिन हो गया। क्या हो गया ग्लाइसिन। तो ये एच की एच चेंज कर दिया ग्लाइसिन हो गया। समझ में आई बात। अगर इसी की जगह मैं अगर सी एच टू ओ एच कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा सेरीन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस टाइप से आपको थोड़े से एक स्ट्रक्चर भी देख के आने हैं कि अमीनो एसिड का ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला पोर्शन वो बिल्कुल सेम रहता है। डिसाइड कौन करता है कि कौन सा अमीनो एसिड है, वो ये आर जो कि वेरिएबल रीजन है। समझ में आया बात। इसके पास एक अल्फा कार्बन है ज्यूटेराइन फॉर्म, ये जो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ गया इसे ही हम ज्यूटेराइनिक फॉर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी है। अब अगला अमीनो एसिड से जुड़ेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना है जाहिर सी बात है, और यहाँ पर एन फिर कार्बन फिर ओ फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और ले लो आर की जगह एच ले लो एच ले। यहाँ पर जाहिर सी बात है एक एच इसका एन एच थ्री था तो एन एच टू, एक एच इसका और ओ एच इसका मिल करके यहाँ पर क्या रिलीज हुआ एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ, जिसकी वजह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और दो अमीनो एसिड जुड़ा तो एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर इधर एक जुड़ेगा यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड, फिर आगे जुड़ेगा वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं प्रोटीन कुछ भी नहीं है, क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन है। समझ में आई बात। तो खैर ये चीज़ें थोड़ा सा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो ये कि आपके जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, एलेवंथ की बायोलॉजी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें डायग्राम कुछ दिए हुए हैं, उस डायग्राम को थोड़ा आप एक बार मोहब्बत की निगाह से देख कर आना बस। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इससे आगे एक नए टॉपिक के साथ, यानी प्रोटीन के स्टडी के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए बाय।